पानी और डालो। अंतुत, हिलो मत। सरकार। अंतुत। छोटे मालिक, बड़े मालिक ने आपके लिए लिफाफा भेजा है। नमस्ते। प्रिय अजय, तुम तो जानते हो कि मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरी फैक्ट्री और जायदाद के तुम और प्रताप नजदीकी रिश्तेदार होने के कारण वारिस हो, वारिस। प्रताप की अय्याशी और बदमाशियों को देखकर मैंने उसे वारिसाना हक से अलग कर दिया है और वसीयत तुम्हारे नाम कर दी है। इस संबंध में सारी कानूनी कार्यवाही भी पूरी कर दी है। तुम हमारे वकील शंभू प्रताप से मिल लेना, तुम्हारे मामा राम सिंह कतियाल। अकेले वारिस। देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे, पकड़ो। पर ये बुड्ढा तो चालाक है ही, लेकिन ये लड़का उसका बाप निकला। हमसे बचकर जाएगा कहाँ सर, यहीं कहीं छुपा होगा। हम इस मामूली छोकरे के पीछे क्यों पड़े? अरे ये मामूली लड़का नहीं है, ये हमारा जानी दुश्मन है। जानी दुश्मन हमारी मिलकत हड़प करना चाहता है। अरे ये कच्चे की फैक्ट्री का मालिक बनना चाहता है। जाएगा कहाँ हमसे बचकर? तब तो इसे जाने देना चाहिए, लेकिन होगा कहाँ? वो ऐसा ना हो कहीं रेलवे स्टेशन से भाग जाए। चलो रेलवे स्टेशन पर चलो, वो देखो। Oh, my God.
ये कागज लेकर तुम जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। अच्छा इधर आओ इधर आओ। सरकार कहाँ जा रहे हो? नौकरी ढूंढने जा रहे सरकार। आपके पास कोई नौकरी होगी? लेकिन बदमाशी की नहीं। Shut up! बदमाश कहीं के। अरे वो तांगे वाले ओट ओट। हाँ। स्टेशन चलेगा? हाँ क्यों नहीं, हमारा घोड़ा हवा से बातें करता है। बैठिए। चलो। मगर बाबूजी चलना कहाँ है? लाल कुआं। लाल कुआं? लाल कुआं तो यहाँ से 5 मील दूर है। एक काम करो बाबूजी, पंत नगर चलो, 1 मील है। हमारी मर्जी, तुम्हें इससे क्या? तो हमारी भी मर्जी, नहीं जाते। हाँ, हमारा घोड़ा 5 मील चलने का आदि नहीं है। घोड़ा तो तुम्हारा हट्टा कट्टा लगता है। तो आप भी तो अच्छे करते हो बाबूजी, लंबे लंबे कदम मारो, बाकी सीट पे चले जाओ, लाल कुआं मिल जाएगा। हाँ। सिर्फ 5 मील? हाँ। अच्छा ये लो बाबूजी, ये भी लो। पड़े आए तांगे पे बैठने वाले। अरे मैम साहब, बरसों से इस स्टेशन पर कोई खुली नहीं है, आज कहाँ से आएगा? आया था। अरे जरा ठहरो, तुम कोई रात में रहने के लिए जगह मिलेगी? मैम साहब, आपके रहने लायक तो कोई जगह नहीं है, लेकिन रेलवे का एक कमरा है। कमरा? लोग उसे वोटिंग रूम कहते हैं। वोटिंग? वेटिंग रूम होगा। वही वही। वो देखो, वो सामने जहाँ प्लेटफॉर्म खत्म होता है ना, वो लाल बत्ती दिख रही है, उसे ही वोटिंग रूम कहते हैं। अच्छा तो ठीक है। आया था। भीकालाल कानपुरी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं स्टेशन मास्टर बोल रहा हूँ। अभी कोई गाड़ी नहीं आई, सवेरे फोन करना। रामपुर स्टेशन मास्टर ने फोन रख दिया। सर क्यों ना हम उसकी उधर जाकर खबर लें? हाँ, हमें खुद जाना होगा। बड़े घराने की लड़की लापता हो गई है, अगर हम उसका पता नहीं लगा पाए तो हमारी बड़ी बेइज्जती होगी। सर हम तुम्हारी पूरी तैयारी के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। फिलहाल आपका कहना है सुबह नहीं बल्कि हम लोग अभी अभी चले, क्यों सर? यस। तो देख, अब मैं सोने की तैयारी कर रहा हूँ।
रात में मेरे को जगाना नहीं। जी साहब। मास्टर साहब, यहाँ रात में ठहरने के लिए कोई जगह मिलेगी? हमारी गाड़ी छूट गई है। हाँ, क्यों नहीं? तो बताइए। मुर्दा घाट में जाइए। वो किधर आया? मेरा सर मत खाओ। हाँ, आपका सर तो सही सलामत है, हमने कब खाया है? तुम मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं पहले ही 18 घंटे की ड्यूटी कर चुका हूँ, अब मैं और ओवर टाइम नहीं करना चाहता। अजीब बात कर रहे हैं आप, लगता है मुझे आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। जाओ जाओ, तुम्हारे से बहुत देखे शिकायत करने वाले, खुद जाकर वेटिंग रूम में देखते नहीं और चले आते हैं शिकायत करने। जाओ जाओ। लगता है सरकार ने स्टेशनों पर कुत्ते पाल रखे हैं। क्या? अरे साहेब, आप इनकी बातों का बुरा ना मानिए, इनका तो स्वभाव ही ऐसा है। आप वोटिंग रूम जाइए। वोटिंग रूम? वो देखिए, वो सामने जहाँ पर प्लेटफॉर्म खत्म होता है, वो जहाँ लाल बत्ती चमक रही है, वही है वोटिंग रूम। थैंक यू। राम राम साहब। आज मैं भी मुसाफिर बन गया। कौन है तुम? कहा ना मुसाफिर। ये औरत की जगह है, आप यहाँ से चले जाइए। हमें तो कोई ऐसा कानून नजर नहीं आता। तुम बड़ी बेशरम हो, औरतों की जगह पर घुस आते हो और जबरदस्ती बैठ भी जाते हो। मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ और अपना सामान भी लेते जाओ। बेन साहब, यहाँ कोई कुली तो है नहीं, सामान कौन उठाएगा? मैं उठा के फेंक देती हूँ तुम्हारा सामान। मेन साहब, देखो मेन साहब, तुम भी मुसाफिर, मैं भी मुसाफिर, फिर दीदी रात तन्हाई और क्या कहा? एक से दो अच्छे, रात आसानी से कट जाएगी। तुम्हारा सामान, तुम जाते हो कि नहीं? तो मैं ही चली जाती हूँ। कहाँ जाना है तुम्हें? जन्नम में। अब जाओगी? तुम्हारी मैयत निकलती ही। वाह, नी खूबसूरत शक्ल और जुबान मिर्ची मसाला। अरे तारमस भी है। तुम्हें तो मेहमान की मेहमान नवाजी करनी आती नहीं, लेकिन हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? ये लीजिए। भाई समझ में नहीं आता, अकेली लड़की रात के वक्त घर से भागकर डरती क्यों है? ए मिस्टर, जबान संभाल कर बात करो। जरूर कोई प्रेमी का बुलावा रहा होगा। चुप करो। लीजिए, हम चुप हो गए, लेकिन अब हमें सोना भी तो है। एक काम करो, तुम वहां सो जाओ और मैं यहां, सिर्फ एक रात की तो बात है। उफ। अब हम आराम करेंगे। अगर बाहर जाना हो तो दरवाजा बंद करके जाना, नहीं तो ठंडी हवा से हमारी नींद टूट जाती है। और हाँ, जरा बत्ती और बुझा देना। एक बात और मिस, सुबह मुझे जल्दी उठा देंगी? मुझे सुबह की गाड़ी पकड़नी है। थैंक यू मिस। मिस आनी बड़ी, गुड नाइट।
तुम इतनी घबराई क्यों हो? पुलिस। पुलिस? हाँ। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? नहीं तो फिर ओ लगता है कोई भयानक अपराध करके छुपना चाहती हो। खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हें बचाएंगे। आओ क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें तलाशी लेनी है। श्योर चलो। सर सोने वाले शराब कोई मिला? जी जी सर। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें एक लड़की की तलाश है। लड़की? हाँ। कैसी लड़की? देखो अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे तो हमें खबर करना। श्योर इंस्पेक्टर जरूर। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने चोरी की है? नहीं। फोन किया है? नहीं। किसी को धोखा दिया है, फसाया है या भिखारी बना दिया है? नहीं नहीं नहीं। जब तुमने कुछ भी नहीं किया तो फिर पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? तुम्हें ये जाने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा निजी मामला है, इसमें टांग अड़ाना बेवकूफी है, समझे? हम बेवकूफ तो बेवकूफी सही। देखो साहब तुम बहुत चालाक होते जा रहे हो, भोली वाली लड़की को फंसाना चाहते हो? इस बात में कोई दम नहीं, कोई वजूद नहीं। क्यों नहीं? इसलिए तो तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाते हो। ऐसा? तो ये चला। उसे अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभी गाड़ी का वक्त नहीं है, होने भी नहीं रहते हो, क्या कर रहे हो? ये आप लोगों ने क्या लगा रखा है, डबल ड्यूटी करवाते हैं और सोने भी नहीं देते। बकवास बांध, हमें ये बताओ कि आज की ट्रेन से यहाँ कितने आदमी आए और कितने गए? अजीब बात है, हा? मैंने कोई ठेका ले रखा है कि कितने आदमी आए और कितने चले गए? ऐसा क्या? क्या कर रहे हो? क्या कर? बताओ। वेटिंग वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम। अच्छा वेटिंग रूम। बदमाश फिर आ गया। रात के अंधेरे में लड़की के कमरे में घुसाने का मतलब? मतलब मतलब हम तुम्हें समझाते हैं। घनश्याम बनवारी घर की तलाश करो। यस बॉस। अरे ये सरकारी मलकियत है, इसका तुमने नुकसान किया है, इसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। अरे ठीक है समझे, नुकसान की अरे, बात करती मेरी साड़ी। अरे तुम्हारी साड़ी को कुछ नहीं होगा, घबराती क्यों? बनवारी क्या हुआ? बॉस यहाँ पे तो कोई नहीं है। क्या वो यही कहीं होगा? ठीक है हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, जाओ। अरे मेरी साड़ी तो दे दिया। सॉरी सॉरी। देखिए आपको कुछ तकलीफ तो होगी लेकिन क्या करे, हमारे हाथ से एक भागे हुए चोर की हमें तलाश थी। सॉरी मिस मिस कविता। ओ कविता। गुड नाइट। गुड नाइट। चल बाय बाय बाय। जान बची लाखों पाए। ओह तो तुम ही वो लड़के हो जिसके पीछे ये लोग आए थे? और तुम वही लड़की हो जो पुलिस को धोखा देती फिर रही हो? खुद तो भागते फिरते हो और दूसरों को अपने जैसा समझते हो? इसका मतलब ये हुआ
कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। तुम्हारे पीछे गुंडे और मेरे पीछे पुलिस। लेकिन तुम्हें जाना कहाँ है? नैनीताल। अरे नैनीताल तो मुझे भी जाना है, वहाँ मेरा चाचा रहता है। क्या सोच रहे हो? क्यों ना हम एक सौदा कर ले। सौदा? ठीक है, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। हाँ? तुम्हारे और मेरे बीच में एक दीवार बनी रहेगी, और ये दीवार तोड़ने की कोशिश नहीं करना जब तक हम अपने मुकाम पर ना पहुंच जाएं। ठीक है, मंजूर। मेरा नाम अजय है। मेरा नाम कविता।
वो हमें बेवकूफ बनाकर चली गई, लेकिन बचकर जाएगी कहां? चलो। लो संभालो अपना सामान। क्यों इतनी जल्दी भागना चाहते हो? लेकिन तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने ठीक कहा मिस 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 कविता। हाँ मिस कविता। सिर्फ कविता कहो। कविता। हाँ। अब हमें आपस में झगड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए और यहाँ से निकलने की तरकीब सोचनी चाहिए। हाँ। लेकिन लेकिन नैनीताल जाने के लिए तो बस पकड़नी होगी। हाँ तुमने ठीक कहा, पर यहाँ से निकलने के लिए उस पहाड़ी को पार करना होगा। तुम अपना सामान संभालो, मैं अपना सामान संभालता हूँ। अरे अरे जा सुनो तो। अजय, मेरा नाम अजय है। अजय प्लीज हेल्प मी नो। श्योर। चलो माँ, आजकल ठाकुर साहब के पास अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। चुप हो जा, ठाकुर साहब के काम में दखल नहीं देते। बड़े लोगों के बड़े काम होते हैं। और हाँ, तू जा, देर हो रही है। घर से खाना लेकर गोविंद को खाना दे आ। ओ माँ, तुम रोज रोज मुझे गोविंद को खाना देने क्यों भेजती हो? इतना भी नहीं जानती, बड़ी भोली रही। वो तेरा होने वाला पति है। तुमने मुझसे पूछे भी नहीं फैसला कर लिया। मैं क्या करूं, ये मेरा नहीं बिरादरी का फैसला है। और जाते वक्त तेरा बाप जवान जो दे गया था, और अब न जाने कहां बरसों से गायब है। पीने की जो लत पड़ गई थी। अच्छा अच्छा तू जा। आओ आओ ठाकुर साहब। अरे मुरली सिंह तुम। अरे बिजली, अरे ओ बिजली आई। अरे बिजली देखो तो सही, कौन आए हैं? अपने मुरली सिंह आए हैं। नमस्ते ठाकुर साहब। और मुरली सिंह ये हमारी माशुका। जी समझ गया भाई, हमने अपना वादा पूरा किया। मैंने उस बुड्ढे कत्याल को बंद करके रखा है, अब क्यों ना जायदाद का बंटवारा कर लें? क्यों? हाँ हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी सब्र करनी होगी। क्यों? हाँ लेकिन। लेकिन क्या? यही कि ठाकुर साहब के हाथ से वसीयत निकल गई। हाँ। हमें इससे कोई वास्ता नहीं, मैंने अपना काम पूरा किया है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। जरूर हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, लेकिन वसीयत। हरगिज नहीं, लगता है ये हमें बेवकूफ बना रहा है। नहीं चंदा, ठाकुर साहब हमारे दोस्त हैं, हमें इनकी जबान पे भरोसा रखना है। मतलब? हम इंतजार करेंगे, आओ हमें अपना शिकार पकड़ना है। ठाकुर प्रताप सिंह को धमकी दे रहा है हरामखोर। इसी को तो कहते हैं नहले पे दहला मेरे राजा। लेकिन हमारे करधनी कंगन और झुमके का क्या होगा? अरे बिजली, तुम्हारी ये करधनी, तुम्हारा ये कंगन, तुम्हारा ये झुमका, ये सब हमसे ज्यादा कीमती है क्या मेरी रानी? तुम देर से खाना क्यों लाई? ये तुम्हारा खाना थोड़े ही है। ये किसका है? कि हम आज नौ से किसी और का खाना तुम्हें खिला रहे हैं। हाँ। किसका? तुम्हें पता नहीं ना, माँ हर रोज गोविंद के लिए खाना बना के भेजती है और हम तुम्हारे लिए लेके आते हैं। अच्छा? हाँ। हाँ। नंदू तुम्हें पता नहीं, माँ मेरा प्यार गोविंद से करवाना चाहती है। तो कर ले। अरे वाह, प्यार तुमसे और प्यार गोविंद से, ये हमसे नहीं होगा। हाँ तुम ना से साफ साफ बात कर लो ना। ए, तुम ही कर लो ना, क्या तुम्हें ब्याह नहीं करना? हाँ
हमें तो शर्म लगती है। अच्छा, अरे वाह, जब मेरा ब्याह गोविंद से हो जाएगा ना, तब रोते रहना अपनी तकदीर को। हाँ, लाओ मेरा खाना। चढ़ना है। हाँ हाँ, क्या खूबसूरती है, जैसे आसमान से आई हुई कोई अप्सरा। एक भाग जा, सुना नहीं? तुमने हमारे सामान की चोरी की है। कौन हो तुम बेवकूफ, हमें नहीं पहचानता? डाकू मुरली सिंह का नाम सुना है? भाग जा। रोज तुम्हें खाना भेज रही हूँ। ये आप क्या कह रही है चाची? हमने
हमने तो उसे कई रोज से देखा तक नहीं। हैं? तू जाती कहाँ है? अच्छा मैं पता लगाता हूँ आखिर वो जाती कहाँ है। अरे मुरली, इतनी ताकत वाले खूंखार डाकू होते हुए एक लड़की के चक्कर में आ गए हैं। इतना ही नहीं, वसीयत मुसीबत दोनों को ही गले लगा लिया। लड़की, हमारा मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। अरे मुरली शांत हो जाओ, हम तो तुम्हारे दोस्त है यार। उस बदमाश लड़के ने तो मेरी बाजी ही बिगाड़ दी, उसकी तो मैं जान ही ले लूंगा। ठाकुर, 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 पुलिस यहाँ क्या? पुलिस, बिजली, इन दोनों को कहीं छिपा दो, प्लीज, कहीं भी छिपा दो, हाँ, जल्दी। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए, आज आपके कदम इस गरीब खाने में, कहिए कैसे आना हुआ? बिना काम के किसी यहाँ कोई जाता है? हमें एक लड़की की तलाश है। अच्छा, आपको भी लड़की की तलाश है? मतलब? मतलब देखो ना, हर बात में पहले लड़की का नाम आता है। अब लीजिए हमारी बात, हमारे यहाँ पहले थी लीली, बाद में आई रंगीली, और बाद में आई चमेली, और अब देखिए हमारे यहाँ चमक रही है, और चमक रही है बिजली। ठाकुर, मजाक की हमें आदत नहीं है, ये मत भूलो कि तुम्हारी हवेली पर भी पुलिस की कड़ी नजर है, अगर कोई गलत कदम उठाया तो फांसी लग जाएगी, यही ना? यकीन रखिए इंस्पेक्टर साहब, हम इतने बेवकूफ नहीं कि हमारे चर्चे पुलिस तक पहुंचे। खैर जाने दीजिए इन बातों को, कहिए ये बंदा आपकी क्या सेवा कर सकता है? हमें इस लड़की की तलाश है, बड़े घराने की है ये, अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी तस्वीर तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखी, रख लीजिए अपनी जेब में, कभी किसी और को दिखाने में काम आएगी। ओके, गुड बाय। ओके, गुड बाय। ये वर्दी वाले हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। आप इनका इलाज क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कानून के हाथों फंसना नहीं चाहते। तुम इसकी फिक्र मत करो, कानून से बदला हम लेंगे, यानी फौलादी टक्कर। तुम्हारे कहे रास्ते से आने का नतीजा? क्यों, क्या हुआ? सब कुछ होने के बाद भी पूछते हो कि क्या हुआ? मेरा सारा सामान तो चला गया। मेरा भी तो गया है। अब मैं क्या करूं? रात हो गई है, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? सवेरा होते ही रास्ता ढूंढेंगे, मैं आग जला देता हूँ। आग तो तुमने पहले ही जला रखी है, जब से तुम मिले हो ना, न जाने आगे क्या क्या होने वाला है। देखो इस तरह से ताने देना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों नहीं, तो मैं तुम्हारी पूजा करूं। देखो मिस कविता, जुबान पर काबू रखो। क्यों? क्योंकि तुम भी घर से भागी हुई हो और मेरी मदद के बिना तुम यहाँ से निकल नहीं सकती। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं जाऊँ? हाँ जाओ। सचमुच जाऊँ? हाँ बाबा जाओ जाओ जाओ।
अच्छा तो तुम हो वही फोटो वाली लड़की जिसके लिए पुलिस परेशान हो रही है। उससे तुम्हें क्या है? अच्छा। देखो और तुम इधर तुम्हें भी। क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई, वाकई में फंस गई, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, बिना तो मेरी जरूरत ही नहीं, मैं तो चला। चलो चल तो। देखो नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। मुझे बहुत खुशी है। अच्छा रुक तो बता, तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता। अच्छा जरा हंस के तो बताओ। आओ आओ रानी। कहाँ से आ रही हो सांजी? मामी वो गीता। हाँ गीता की। अरे ये क्या बताएगी चाची, मैं बताता हूँ। ये अपने प्रेमी के साथ नदी के उस पार रंगरेलियां मना रही थी। क्या ये बात सच है? नहीं माँ, मैं तो मैं सब समझती हूँ। मैं तुम्हें बच्ची समझती थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे तो पर निकल आए हैं। देख लिया चाची, अगर तुमने हमारे ब्याह में जरा सी भी देर कर दी तो बिरादरी में तुम्हारी नाक कट जाएगी, फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी। तू फिक्र मत कर गोविंद, सब ठीक हो जाएगा। अरे फिक्र किसको है चाची, जब तुम यहाँ पर हो। चलो साजी अंदर चलो। ठाकुर जी, हमारी इतनी वफादारी होने के बावजूद आप एक रास्ते की छमिया के पीछे पागल हो रहे हो, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी पसंदगी या ना पसंदगी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पसंदगी तो हमारी है, हम जिसे चाहे नजर करें। अच्छा ही हुआ उस वक्त पुलिस वहाँ पर आ गई और तुम्हारे इरादे हवा हो गए। ठीक है ठीक है, लेकिन अफसोस अब हमारी कमाई कम हो गई है और तुम जो सामान लेकर बाजार जाती हो उसकी कीमत आधी भी नहीं मिलती, क्यों? ऐसा क्यों? हाँ ये बात भी ठीक ही है, लेकिन उस बूढ़े कटियार को आपने हमारे पास रख के क्या फायदा उठाया? हमें तो उसका खाना तक भारी पड़ रहा है। ये तू नहीं समझेगी, प्रताप और बुड्ढा दोनों हमारी मोहरे हैं, बस जैसे ही वसीयत हाथ आ जाए काम फतेह। वसीयत?
पागलों का ख्याल है ठाकुर, पागलों का। वो कैसे? अरे वसीयत हासिल करने में तुम्हारा प्रताप भी नाकामयाब रहा। ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें उस बुड्ढे की कोई जरूरत नहीं। चंदन जाओ, उस बुड्ढे को लेकर आओ। अभी लाया सरदार। और तेरा भाई प्रताप तुझे रवाना कर देता। उस सांप का नाम मत लो मेरे सामने, अगर मुझे मिल जाए तो मैं खुद उसे कुचल के रख दूं। मैं तुम्हारे अरमान की दाद देता हूं, लेकिन फिलहाल हमें उसके मुंह को चुप करना है। मुझे मार क्यों नहीं देता शैतान? अब तो तुम खुश हो मेरी रानी। मैं भला तुमसे क्यों नाराज होने लगी मेरे राजा? चाची तुम फिक्र मत करो, इस सारे झगड़े की जड़ वो नंदू है, आज मैं उसे ठीक करता हूँ। क्या है तुम्हें इस गांव में किस काम के लिए रखा गया है? नौकरी के लिए। नौकरी? तुम नौकरी कर रहे हो? इस गांव की भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हो। नंदू तुम अच्छी तरह जानते हो हमारा ब्याह सांझी से होने वाला है। हो सकता है? हो सकता नहीं, होगा, जरूर होगा। तुम सांझी का पीछा करना छोड़ दो वरना ये गांव छोड़ के चले जाओ। नहीं तो? नहीं तो? नहीं तो? नमस्ते, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, ये तो इंसान का फर्ज है। मेरा नाम नंदू है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अजय, ये कविता। नमस्ते। आप लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग पास कुछ नहीं है, हमारा सारा सामान चोरी हो चुका है। इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ, आप लोगों का सारा बंदोबस्त हो जाएगा। चले चलिए। लड़की को सारी जगह देख लिया लेकिन लड़की का पता नहीं चला। ये लड़की जान के बवाल बन चुकी है यार। सरकार! अरे कुछ खाने पीने को लाओ भाई। अरे खाने पीने को माया? माया ने अपने हाथ से बनाया सरकार। अच्छा। माया बोल पैसे कितने हुए? जी ज्यादा नहीं, 10 रुपए 50 पैसे हुए हैं। ₹10.50? इतनी सी चीज है 10 रुपए 50 पैसे में? अरे सरकार बड़ी महंगाई हो गई है, जानते हो हम कौन है? हवलदार होने वाले। अरे सरकार आप लोगों से पैसा, सरकारी आदमियों को तो पैसा दिया जाता है लिया थोड़ी जाता है। अब वाय रास्ते पर जाओ, काम करो, चलो। चल माया, माया चल। ये रामलाल खाने में मजा आ गया। मजा आ गया वाकई। रामलाल सर, सर तुम लोग अपनी तरक्की चाहते हो? कि क्यों नहीं सर, हम हवलदार होने वाले। क्या तुम लोग को हवलदार होने के लिए बहुत भारी काम करना होगा, पहले लड़की ढूंढो फिर मैं सिफारिश करूंगा तुम लोगों की तरक्की के लिए। शिवलाल लगता है साहब ने हमारा खाना खराब करने की सौगंध खाई। चलो यार हम लोग कहीं दूर नदी के किनारे बैठे खाना खाते हैं। साहब आप फिक्र मत करें, हम आज ही लड़की को ढूंढ निकालेंगे। यकीन रखिए। लड़की बहुत ही चालाक निकली, लेकिन हमसे टक्कर लेकर वो जाएगी कहाँ? जाना भी तो लड़की को।
हमारा शिकार तो अजय है। तुम्हारी बात सच है बिजली, हमें उसे ढूंढना ही होगा। अगर वो वकील के वहां नैनीताल पहुंच गया तो बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी। फिक्र मत करो मेरे राजा, हम उसके इरादों को चूर चूर कर देंगे। इसके पहले पहाड़े उससे निकलकर भागे, हम उसे पकड़ लेंगे। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? सिर्फ तुम्हारे बिजली के कमाल की। अच्छा। आप हमारे मेहमान हैं, वो हमारा घर है, आप इसे अपना ही घर समझिए। शुक्रिया नंदू, लेकिन तुम क्या यहाँ पर अकेले ही रहते हो? जी हाँ, लेकिन कुछ दिनों में हमारा घर बसने वाला है। वो कैसे? मैं सांझी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझे बहुत चाहती है। तब तो तुम शादी भी कर लोगी, यही ना? जी हाँ, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि उसके साथ भी वही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। मतलब हमारे साथ क्या हो रहा है? वो तो तुम्हारा अच्छी तरह जानते हैं, बताने की जरूरत है क्या? अजय, इसमें बुरा क्यों मानती हो? जैसे गुंडों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, वैसे ही गुंडे नंदू के पीछे लगे हुए हैं। ये तुम बच्चे से देख चुकी हो। बात बदलने में तो तुम बहुत चालाक हो। कम से कम मैं अपने वादे तो नहीं बदलता। क्या कहना है तुम्हें? अरे अरे, आप लोग तो लड़ रहे हैं, हम और सांझी तो कभी नहीं लड़ते। दलिया मेम साहब, नंदू कितना समझदार है, हम लोग को लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा नंदू, तुम ही बताओ हम क्या करें? मैं बताऊं? प्यार। सुना, प्यार कितनी खूबसूरत। मैं दिलचस्प। क्या मैं आंखों को तारा? क्या मैं कितनी खूबसूरत ये पहाड़ियां, बर्फीली पहाड़ियां, नंदा देवी, त्रिशूल, ये करते कि नाचू गाओ और नाचते गाते ही चली जाओ। आशिक की हम कद्र करते हैं, हमारे साथ चलो ना, मेरे नजदीक तो आओ मेरे राजा। हर प्यार को क्या सुमन
वो वसीयत कहाँ है? वो वसीयत? वो वसीयत तो मुझे भी नहीं मालूम चचा। घर पर ले चलो, घर पर ही सब कुछ बता दूंगा। अच्छा भतीजे, घर पे बताएगा? ये इस तरह से नहीं मानेगा। ले चलो और बांध दो रेल पटरी पर। सरकार, लेकिन
इसके मरने से हमें क्या फायदा होगा? हमें नुकसान भी तो नहीं होगा। ये मरेगा, बुड्ढा मरेगा, और फिर सारा माल हमारे हाथ। नंदू, बहुत देर हो गई, कविता अभी तक वापस नहीं आई। शायद तुमसे नाराज हो गई होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने वादा जो किया था। तब तो वो जरूर आएगी। ठीक है, मैं उसे ढूंढता हूँ। लेकिन नंदू, तुम फौरन शादी कर लो या फिर लड़की को भगा कर ले जाओ, समझे? अच्छा, समझे भागो। बैठो तुम लोग। अरे माई बाप, क्या खाना है? अरे खाना सरकार सब कुछ है, दाल है, रोटी है, चावल है, दाल मोट है, और बड़े बड़े पत्थर भी हैं। अरे सरकार, जाओ खाना लाओ, सब कुछ लाओ। अभी लाया। और पत्थर भी। अरे माया, जान बचा के आया। अच्छा तुम, तुम्हारी भरपूर जवानी का मौज ना ले लूं। लड़की, मुझे पकड़ कर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हमें मालूम करने की कोई जरूरत नहीं है, मौत को तो हम अपनी मुट्ठी में रखते हैं। शैतान, अब भी मुझे छोड़ दे, मैं तेरा गुनाह माफ करवा दूंगी। जब काटते लूट करना डाकुओं की शान जरूर है, मगर किसी की इज्जत लूटना नहीं। चुप कर और हमें नसीहत मत दे, और चली जाए यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हारे ये इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगी। ओ चंदा, पलाश से टक्कर मत ले। ठाकुर, चंदा ने तुम्हारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। शानो, शौकत, जिगर सब कुछ कुर्बान करके ठाकुरानी बन गई। औलादी टक्कर से मैं नहीं डरती। ओ चंदा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। कोई परवाह नहीं, चलाओ। सरदार, पुलिस आ रही है। चलो। नहीं, पुलिस, चलो चलो चलो।
हमने ढूंढा लेकिन नहीं कहा है वो सर हमारा प्रमोशन शराब चलो बैठो बच्चे के साथ क्या सलूक किया जाए अरे मैं तो इसका मुंह तक देखना नहीं चाहती तुम्हारी जो जी में आए करो साथियों देखते क्या हो उठाओ पत्थर कुचल डालो इस दीवाने को हट जाओ नहीं नहीं गोविंद नहीं तुम चाहे मुझे मार दो नंद को छोड़ दो कसूर मेरा है सजा भी मुझे दो आज मैं किसी के भी सुनने वाला नहीं मैं अपने अपमान का बदला ले रहा हूँ मुझे डरने का लेकिन ठंडा ये सब क्या हो रहा है पता फेंको ये हमारा निजी मामला है तुम कौन हो हमें नहीं पहचानता जिसका नाम सुनकर बच्चे कांप जाते हैं धनवान औरतों का लिबास पहनकर छुप जाते हैं और दुश्मन दुश्मन तुम दबा कर भाग जाते हैं मैं हूँ डाकू मुरली सिंह नहीं डाकू है पर हमारे लिए देवता बन कर आए हैं आप को इसका सही से बचा दीजिए नहीं तो ये सब मार डालेगा लड़की हमारा काम है लूटना जो काम हम करते हैं उसके बदले में कुछ लेकर रहते हैं तुम चाहती हो तो हम तुम्हारा काम कर देंगे पर बदले में तुम्हारे गहने लेते जाएंगे निकालो इसे लगता है पुलिस चलो कहाँ है डाकू कहाँ है डाकू कहाँ डाकू गए तो पुलिस आ गई अरे इनका तो उसूल ही यही है
ये गुनाह होने के बाद सब मातम मनाने के लिए हाजिर होते हैं। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। लड़की हमें पता चला है यहाँ डाकू मुरली सिंह आया है, तुमने उसे जाते हुए यहाँ से देखा? चुप रहो नंदू, हमें एहसान फरामोश नहीं बनना चाहिए। सिपाही साहब हमने किसी को नहीं देखा। लड़की हम सिपाही नहीं हवलदार हैं, होने वाले, और हमें पता चला है डाकू मुरली सिंह यहाँ से गया है, और हमें ये भी पता चल गया है कि वो हमारे डर से यही कहीं छुप गया है। अब बताओ वो कहाँ है? हमें नहीं मालूम। शिवलाल लगता है ये लड़की झूठ बोल रही। हमें भी यही लगता है ये झूठ बोल रही है। ले चलो इसे साहब के पास। चलो अभी ले चलते हैं। चल लड़की इस बुढ़िया को भी ले चलो। चल बढ़िया तू भी जा। चलो चलो चलो। हम पकड़ लाए। इसको पकड़ लाए? इन लोगों को। सरकार हम डाकू मुरली सिंह को पकड़ने ही वाले थे, इतने ये लोग आ गए और सरकारी ड्यूटी में खलल डाल दी, इससे डाकू मुरली सिंह भाग गया। नहीं साहब, हम तो गांव के गरीब लोग हैं, मुसीबत में फंसे, एक मुसीबत से पीछा छूटा तो आपके सिपाही पकड़ लाए। सिपाही नहीं हवलदार, होने वाले। अब बताओ बात क्या? हमारा नाम सांझी है सरकार, इसी गांव के रहने वाले हैं। ये हमारी माँ, इनसे हमारा ब्याह होने वाला है, हम बेकसूर है सरकार। ठीक है तुम लोग जाओ। बहुत अच्छा साहब। रामलाल जी। जी सर। तुम लोगों की बेवकूफी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, अब की बार किसी बेकसूर आदमी को पकड़ के लाए तो मैं तुम लोगों को सस्पेंड कर दूंगा। नहीं नहीं सरकार, सस्पेंड मत कीजिएगा, हम तो आपके ताबेदार हैं, आपके हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर मेरे हिसाब से काम हो रहा है तो अभी तक मुरली डाकू पकड़ा क्यों नहीं गया? हमें एक मौका और दीजिए सरकार, हम नैनीताल का बाजार छान कर डाकू मुरली सिंह को पकड़ लाएंगे। अब हम जब तक डाकू मुरली सिंह को नहीं पकड़ लेंगे आपके सामने नहीं हाजिर होंगे। ठीक है जाओ। अब हम अपनी मंजिल तक आ गए हैं। यहाँ से हमारे तुम्हारे रास्ते अलग हैं। लगता है अभी तक तुम मुझसे नाराज ही हो। नाराज तो तुम्हें होना चाहिए कविता, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें सारी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। फिर भी हम अपने वादे में पक्के रहे। तुम्हारी शराफत का इनाम तो तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। शुक्रिया मिस कविता। पहले तुम जाओगी कि मैं? पहले तुम्हारा जाना ही ठीक रहेगा। जाओ जाओ जाओ। तुम चाहते हो कि मैं अकेले ही चली जाऊं? क्यों नहीं, तो मैं चली जाऊं। यस मैं जाऊं। व्हाई नॉट। पहले तुम जाओ। वाह, पहले तुम कैसे जा रहे हो? तुम्हारा हुक्म जो हुआ। भूल जाओ इन बातों को, इतना साथ दिया है तो थोड़ा और दे दो। कविता, नंदू ने क्या कहा था कि हमें क्या करना चाहिए? प्यार। बस अजय समझ लो कि हमें तुमसे प्यार है। कविता। हाँ जी। अजय कपड़े ले लो, कपड़े सस्ते सस्ते कपड़े, 10-10 रुपए में कपड़े। आइए 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 बहन जी, देखो कितनी अच्छी चोली है, जयपुर का घाघरा भी है, कश्मीरी शाल भी है, ले लो ले लो। आप भी आइए, मुंशी जी आप भी आइए, लोगों को 10-10 रुपए में, आपको सिर्फ 2-2 रुपए में दे दूंगी। हाँ शिवलाल, कपड़े वाली, इतने सस्ते कपड़े, एक कपड़े वाले सरकार 10-10 रुपए का माल 2-2 रुपए में बेच रही है। आपके लिए सरकार 2-2 रुपए का 1-1 रुपए में दूंगी। चोरी का माल है क्या? हमें कुछ शक लगता है। 10-10 रुपए का माल 2-2 रुपए में बेच रही है? नहीं नहीं सरकार, राम राम, अगर ऐसी बात है तो हथकड़ी लगा के थाने ले चलो। हाँ
ये तो हमारा आदमी लाता है और हम बेचते हैं। तेरे पास और भी कपड़े हैं क्या? चल तेरे आदमी के पास चले। चलो चलो चलते हैं। चलो, पर मेरा धंधा धंधा वंदा तो चलते ही रहता है। तुझे मालूम नहीं हम यहाँ के कौन है? हवलदार। सरकार, ये आ गया मेरा झोपड़ा। हमें तेरे झोपड़े से कोई मतलब नहीं, अपने घर वाले को बुलवा। वो तो मिलवाएंगे ही। आपके कपड़ों से बड़ी बदबू आ रही है। बदबू? लेकिन कपड़े से तो बदबू आती ही नहीं। छी। लेकिन यार शिलान, इतने दिनों से ना हम नहाए हैं ना धोए हैं, तेरे कपड़ों से बदबू नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? सरकार ने भी हमें कितने दिनों से इसका चक्कर फंसा रखा है। हाँ यार, तुम सही कहते हो, लेकिन किया क्या आ जाए? कोई बात नहीं, मेरे पास नए कपड़े हैं, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तुम ये कपड़े निकाल लो और नए पहन लो। हाँ, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। ठहरो, मैं अभी आती हूँ। लाओ कपड़े। ये लो। जानमाल की हिफाजत करते हैं। सकते हैं या मेरे माल को हड़पना चाहते हो? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब हम चलते हैं। चलते हैं भाई। चलो। तुम्हें अपनी जान प्यारी है? कबूल किसको नहीं होती सरकार? तो फिर आज से तुम हमारी सेवा करोगे, कबूल हमारे पसंद ना दोगे, हमारे पैर दबोगे। करना ले जाओ। अच्छा ठाकुर, चलो चलो। आओ। ओ बुआ जी। अरे कविता, तुम कहाँ चले गई थी? भाई ने ना जाने कितने टेलीफोन किए, कहाँ कहाँ तलाश किया, लेकिन तेरा कुछ पता ही नहीं चला। बुआ जी, तुम्हें तो पता है कि मैं पुलिस वालों से नफरत करती हूँ, और तुम्हें ये भी पता है कि पापा ने मेरी सगाई पुलिस वाले से ही की है। तो इसमें घबराने की बात क्या है बेटी?
मैं उन्हें समझा लेती। तुम्हें तो पता है कि पापा बहुत जिद्दी हैं, मेरी एक बात नहीं मानते। अगर मुझे बताया होता तो मैं उन्हें मना लेती। सच? ओ बुआ जी। लेकिन ये कौन है? अरे हाँ, ये अजय है। अजय ना होते तो मैं यहाँ आ नहीं पाती थी। नमस्ते बुआ जी। बेटा ये घर तुम्हारा ही है, जब चाहे आ जाना। भाई को टेलीफोन करना ही पड़ेगा, टेलीफोन करके बुला लेती हूँ। बेटी कविता तू फिकर मत कर, मैं भाई को टेलीफोन करके सब कुछ बता देती हूँ, तू चिंता मत करना। ओ बुआ जी। ओ चरण सिंह आर्ट स्टूडियो। चलो चलो। अरे अजय तुम इतने दिन कहाँ थे? अरे मत पूछ यार, बस फंस गया था। और सुना तेरा क्या हाल है? ठीक है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, सुन ये है मिस कविता, इनसे मिलो। नमस्ते। ये ही नैनीताल में रहती हैं। अरे हाँ मुझे कुछ पेंटिंग का सामान ले जाना है। तेरी तो अपनी दुकान है, जो चाहे ले जा।
ने दिया थे ये कैसी है चोरी, ओ क्या बात है काहे शर्माए गोरी। नैनों में गजरा बालों में गजरा, नैनों में गजरा बालों में गजरा, बाली उमरिया गजब ढाए तोरी। डैडी की कार? या जी साहब की कार? डैडी। अरे कविता तुम? हाँ। अगली तुमने तो मुझे बहुत परेशान किया। इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। अब रहने भी दो, कितनी मुसीबत से घर पर आई है, अब इसकी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं बढ़ाना। मैंने कब मना किया? तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताना। कविता बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बताऊं? जा बेटी अजय को बुला ला। अजय, अजय कहाँ गया? जाने कहाँ चला गया? क्यों, क्या हुआ? अभी तो मेरे साथ था, न जाने कहाँ चला गया। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम अजय को लेकर घर चली आना। तुम यही रहो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं जाता हूँ। जी अच्छा। तांसुप, आप हमें ये धंधा बंद कर देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। धंधा बंद कर देना चाहिए, यहाँ से चला जाना चाहिए? अरे वापस जाकर के अपनी मौत को बुलवाना है। लेकिन हमें डर लगता है। तुझे डर लगता है? अरे हमारे होते हुए तुझे डर किस बात का? ये हट्टा कट्टा नौजवान जो है, डर तो लगेगा ही, क्योंकि मालिक का कागज जो अपने पास है। हमने देखा तक नहीं इस कागज में क्या है। तू देख के क्या करेगी, तेरी क्या समझ में आएगा? नहीं, हमें देखना है। देखना है? देखना है तो ये ले, ये देख। अरे इसमें क्या लिखा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और तेरी समझ में भी नहीं आएगा, समझी? देखेंगे देखेंगे, जो कोई कस्टमर आता है बहुत गौर से देखती है। अरे सरदार जी पैसे तो दे दीजिए पैसे। यार मैं तो भूल ही गया था, मैं माया के चक्कर में रह के ये वाली माया भूल जाता हूँ। धन्यवाद सरदार जी। अरे माया सब कुछ तेरा है, क्यों छीन रही है तू? मुझे अपनी जान प्यारी है, तो वो कागज मुझे दे दो। अरे कौन सा कागज, कैसा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। निकालो निकालो। अरे दे रहा हूँ। क्यों नहीं क्यों नहीं, तुम्हें जो जो चीज पसंद है हम तुम्हें खरीद देंगे। लो तुम्हारा भतीजा तो आ ही गया। अरे आओ आओ भतीजे। चाचा तुम? हाँ हम। कहाँ गुम हो गए थे इतने दिनों, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश किया। अरे तुम्हारी चाची दिन रात तुम्हारी याद में रोया करती थी, देखो तो सही बेचारी कितनी दुबली हो गई है। आओ बेटे अब तुम घर चलो। हाँ चलो। क्यों नहीं चाची, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी, पर मैं क्या करूं, मैं जरा काम में गया था। लेकिन अब आप आ गई हैं, तो चलो चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अच्छा भाई सुनील, जब चाचा चाची लेने आई गए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही। बाय बाय। चलो बेटे चलते हैं।
असली बात पर आ जाए तो अभी तक हम नकली बात कर रहे थे क्या? तुम कहां के भतीजे और हम कहां के चाचा, और ये बात तुम और हम अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अच्छा अब तुम ये बताओगे कि तुमने वो वसीयत कहां छुपा के रखी है? वो तो मुझे भी नहीं मालूम चाचा। तुम्हें भी नहीं मालूम बतीजे? सुनो बतीजे, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। अब तुम बताओगे असली वसीयत तुमने कहां छुपा के रखी है? अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। नहीं नहीं ठाकुर, इतना जुल्म मत करो। आपके भतीजे को सोचने का थोड़ा वक्त तो दे दो। तुम चुप रहो, आज हम फैसला करके ही रहेंगे। मैं ये काम तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगी। आखिर हमारी भी कुछ हैसियत है जो काम तुम्हारी ताकत नहीं कर सकती, वो मैं प्यार से कर दूंगी। मतलब? वो सब मेरे पर छोड़ दो। हाँ, यकीन करो। लेकिन ख्याल रहे बिजली, परिंदा है बड़ा चालाक, कहीं उड़ न जाए। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। ले जाएगा खाना, मैं नहीं खाऊंगा। मैं इस बुड्ढे को ही प्रताप के पास ले जाता हूँ, देखता हूँ प्रताप अपना वादा पूरा करता है कि नहीं। नहीं नहीं ठाकुर, ऐसा नहीं करना। ऐसा ना हो ये मोहरा भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। इसे बंद कर दो। जी सरदार, हम पूरा ख्याल रखेंगे सरकार। आप चिंता ना करें सरकार, हम पूरा ख्याल रखेंगे। इन हराम खोरों को भी आज ही मरना है। रामलाल शिवलाल मुरली की तुम कट रानी, ये देवी चंदा रानी। Thank you.
शिवलाल। हाँ भाई रामलाल, हमने उस सासुरानी को घोल्लू बनाया। हाँ भाई बड़ा आ गया। डाकू मुन्नी सिंह के साथी, मैं तुम्हारी जान ले लूं। पहले तो हवालात की मौज लेना, फिर जान ले। शाबाश। सर ये क्या? ये वसीयत, जिसके लिए मुन्नी और प्रताप दोनों ही तड़प रहे हैं। ओह, तो सारी कार्रवाई इन दोनों की थी। यस सर। देखो तुम डाकू के अड्डे की जासूसी करो, मैं प्रताप को टटोलता हूँ। हमें इन दोनों से निपटना है। ओके सर। राइट सर। ढाबे वाला हाँ। और साथ में गठरी भी। गठरी भी? हमें लगता है तू दाल में काला है। अरे सरकार, आप लोग यहाँ, आप लोग कहते माया, इसमें क्या है? अरे सरकार, ये तो हमारे कपड़े लगते हैं, मेहनत कमाई का माल इसके अंदर। कपड़े हैं या चोरी का माल है? अरे चोरी नहीं, चोरी का नहीं हमारे। अरे सरकार आप समझ जाइए, चोरी का माल नहीं है, ये तो हमारी मेहनत का माल है सरकार। मेहनत का माल है, चलो थाने। अरे थाने दिए जा रहे हैं आप लोग है? अरे यही मामला तय कर लीजिए। मामला यही निपटा लो, यानी रिश्वत है? रिश्वत? अरे अरे सरकार रिश्वत नहीं है, है? ये तो सरकार क्या कहते हैं उसको, अरे व्यवहार है, व्यवहार। चलो ठीक है, ये कपड़े कट दिया मैं, और ये कपड़े भी अपने साथ में दे दो। अरे कपड़े? हाँ कपड़े। अरे मालिक कपड़े आप ले जाएंगे तो हम नंगे। हाँ नंगे। अरे सरकार कुछ तो दया कीजिए, कम से कम एक बात हमारी मान लीजिए। बोलो। आप दोनों आदमी ये वर्दी हम दोनों को दे दीजिए। ये पुलिस के कपड़े और तुम्हें दे दे। अरे तो आपको क्या फर्क पड़ता सरकार, आपको और मिल जाएगी। चलो ठीक है, उतारो कपड़े, उतारो कपड़े। कितना मजा आया है। ए, क्या हो रहा है? देखने रहे बीड़ी पी रहे। अरे सरकार आप शट अप। पहले तो तुम लोग मैनेज भूल रहे हो, मेरे एक ऑफिसर को सैल्यूट नहीं किया। मैं तुम लोगों को डिसमिस कर दूंगा। क्या होता जी? अरे डिसमिस किसी खूबसूरत जगह का नाम होता है या फिर किसी अच्छे आदमी का नाम होगा, जैसे हमारा साहब। करो, मैं तुम लोगों की बकवास बहुत देर से सुन रहा हूँ। आपकी बकवास की तो मैं तुम लोगों को गोली मार दूंगा। अरे सरकार गोली मारने की जरूरत नहीं, देना है तो डिसमिस दे दीजिए, ताकि हम दोनों आदमी जाके होटल खोलेंगे और चाय पकौड़े बेचेंगे। अरे कौन भर्ती कर लेता है इन लोगों को? हमने प्रताप से वायदा किया है कि हम असलियत जानकर ही रहेंगे। बताओ वसीयत कहाँ है? वसीयत? कैसी वसीयत? हमें कुछ याद नहीं। लो ये जाम पियो, सब कुछ याद आ जाएगा। तूने कैसा जुलम किया?
पकड़ो उस शैतान को, निकल लेना भाई यहाँ से। भागो, 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 मौसी। अरे ओ मौसी, कौन? मैं हूँ। कविता कहाँ है? अजय का संदेशा लेकर आई हूँ। क्या है, तुमको अजय ने बुलाया है किसी खास काम से? उनके चाचा लल्लू राम तुमसे मिलना चाहते हैं। सोचती क्या है दीदी? चलो आई ने तो हाँ कह दी है, अब अजय के चाचा की हाँ कह दे तो उसमें बुराई क्या है? चलो साथ। चलो अंदर। अच्छा बदतमीजी है, चुपचाप बैठो। तुम हमें दो बार धोखा दे चुके हो, लेकिन अब की बार बचकर निकल जाना कोई आसान काम नहीं है। आखिर तुम उससे चाहते क्या हो? नसीहत, जब तुम्हारे प्रेमी ने हमसे छीन कर कहीं छुपा कर रख दी है। तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया? तो अब बताओ। बताओ मैं ले चलूं। ले चलो। नौ चाल के उस व्यापार एक पुरानी झोपड़ी के अंदर है। घनश्याम ले चलो। चलो। कहाँ है वो कागज? कहाँ छुपाया है? यहीं कहीं होगा, ढूंढ लो। ऐ लड़के, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, उसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा, समझे? तुम आग से खेल रहे हो, जलकर भस्म हो जाओगे। हमें उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन तुम लोग मुझे क्यों सता रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा दर्द उसके सीने में जाते ही वो हमारी मांग पूरी कर देगा, तुम्हारे प्रेमी का वो कागज। अजय को ठिकाने लगाएंगे। तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। नहीं, देखता हूँ। आज मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिद मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ। दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहीं कहीं होगा, ढूंढो इसे। ए, तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा? कह रहे हो क्या? सुनाई नहीं देता? कमाल है, कुछ बोलता ही नहीं। बॉस, मुझे तो यही लगता है यही आदमी है। पकड़ो इसे, पकड़ो। ए, हमसे चालक है? अरे ओ बहन जी, अरे जरा देखो तो सुनो। हम बहन जी नहीं, भाई जी हैं। मैं रामलाल और मैं शिवलाल। अरे रामलाल, तुम मिस भेजते? क्या करें, साहब का ऑर्डर है डाकुओं की जासूसी करनी, जान के डर से भेष बदलना पड़ा।
डाकों से इतना डरते हो तो पुलिस में नौकरी क्यों की? तुम्हें नहीं मालूम वो कितना फौलादी है और कितना खतरनाक है डाकू मुरली सिंह। और तो और उन्होंने एक बुड्ढे को इस तरह पकड़ रखा है कि उसका तो मौत के बाद ही छुटकारा होगा। कौन है वो? है कोई रईस, न जाने वो लोग उसे क्या चाहते हो। समझ गया दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, शायद वो मेरे मामा ही हो। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अजय बेटा। ओ मामा, ओ अजय बेटा, तू यहाँ क्या करने आया बेटा? ये लोग बड़े जालिम हैं, तुझे मार डालेंगे, तू चला जा यहाँ से, चला जा बेटा। मामा मेरी फिक्र मत करो और तुरंत यहाँ से निकल चलो। मुझे मरने दे, तू यहाँ से चला जा, तू मेरी बहन का इकलौता बेटा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं उसकी रूह को क्या जवाब दूंगा? जा बेटा जा। मामा मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फिक्र मत करो और तुरंत यहां से निकल चलो। आओ ओ तुम। हाँ मैं चंदन मोती। हराम खोल पेड़ के साथ बहुत तकड़ता था। हाँ निकल जाओ और जाकर थाने में पुलिस की मदद लो। जिद मत करो मामा, कहना मानो, आज हमें डाकू का किस्सा खत्म करना ही है। अच्छा बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ मैं चल। साहब आइए, कैसे आना हुआ? ठाकुर प्रताप सिंह, हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तारी? और हमारी? कहीं आप ख्वाब में तो नहीं? ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। कौन सा सबूत लेकर आप हमें गिरफ्तार करने आए इंस्पेक्टर? सबूत? सबूत है बार जीप में बैठा कटियार और ये कविता। कविता? मैं पहले इस बला का तो खत्म कर दूं। अरे बिजली, ये क्या कर रही हो? अरे इस कठपुतली से तो हम कामयाब रहे हैं। मुझे पकड़ कर तुम अपनी मौत को बुला रहे हो, मेरे पिताजी तुम्हारे नामो निशान मिटा देंगे। नामो निशान?
जरा हम भी तो सुने कौन है वो बेवकूफ। यहाँ के डीआईजी साहब का नाम तुमने सुना नहीं? सुना है, बहुत सुना है। अच्छा तो तुम उन्हीं की लड़की जी हो? हाँ। अब हमें किसी का ठाकुर एक खुशखबरी। क्या बात है बिजली? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अजय मुरली सिंह के फंदे में फंस गया है। अच्छा। और उसे गहरी खाई में रस्सी से बांध कर लटका दिया है। वो कभी भी मर सकता है। नहीं ये झूठ है, ये झूठ और सच का तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ठाकुर आपको मुरली सिंह ने याद किया है। अच्छा अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है बिजली। हिसाब मांग रहा था प्रताप सिंह से हिसाब। अरे बचा ले अपने प्रेमी को। अब देखता हूँ तुझे। देखता हूँ मुझे कौन पकड़ता है। हर एक को देख लूंगा मैं। छोड़ दो मुझे। देख लूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, देख लूंगा हर एक को। हमें अफसोस है आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी कटियार साहब। अब तो हमारे बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। क्यों नहीं डियरी साहब, हमें इस काम को बहुत जल्दी निपटा देना चाहिए। लेकिन अजय कहाँ है? बस आता ही होगा। लो अजय आ गया। अजय ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये वाकई में पुलिस इंस्पेक्टर है। अभी तक ये ट्रेनिंग में था, अब ट्रेनिंग पूरी करके अभी उसकी पोस्टिंग हुई है। अब तो तुम खुश हो? जी जी डैडी। Thank you.
पल में भुला दूं, चाहूं अगर तो ये जिद तुम्हारी झूठी गले से लगा के छुड़ा दूं। अरे आजा पास आजा, पाँव में समा जा, आजा पास आजा, पाँव में समा जा, होगी नहीं तो बलि चोरी, अपने पिया से ये कैसी है चोरी। ओ क्या बात है, काहे शर्माए गोरी।